हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मूंग दाल नमकीन बनाने जा रही हूं, जो कि बनाना आसान है। इसको बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और यह नमकीन खाने में स्वादिष्ट होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि मूंग दाल नमकीन कैसे बनता है। और अगर आपको मेरे नमकीन की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मूंग दाल नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 250 ग्राम मूंग दाल। मैंने यहाँ पर ये धुली हुई मूंग दाल ली है, मैंने 250 ग्राम लिए। आपको जितनी बनानी है उतनी क्वांटिटी में आप दाल ले सकते हैं। पहले प्रोसेस में हमें दाल को पानी में भिगो के रखना है, तो मैंने यहाँ पर दाल को पानी में भिगो के रख दिया है। ये मैंने 5 से 6 घंटे के लिए दाल को रखा था। ये देखिए, फूलने के बाद दाल इस तरीके से हो गई है। ये देखिए आप, फूलने के बाद दाल अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाती है, आप यहाँ देख सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार और 250 ml तेल दाल को तलने के लिए। चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दाल में से पानी को निकालकर दाल को अच्छे से सुखाने के लिए रख देते हैं। तो चलिए हम दाल में से पानी को निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेनर लिया है, उसमें मैं दाल को डालूँगी। ये देखिए आप, मैंने दाल में से पानी को अच्छे से निकाल दिया है। अब हम दाल को एक कॉटन के कपड़े पर सूखने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर एक ट्रे में कॉटन का कपड़ा रख लिया है, उस पर मैं दाल को डालूँगी और दाल को हाथों की सहायता से अच्छे से फैला देंगे। और अब हम दाल को 1 घंटे के लिए फ़ैन के नीचे रख देंगे, जिससे कि दाल का पानी अच्छे से सूख जाए। ये देखिए आप, मैंने दाल को एक कॉटन के कपड़े पे अच्छे से स्प्रेड करके रख दिया है। इसको मैंने फ़ैन के नीचे रखा था। आप यहाँ देख रहे हो कि दाल का एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। दाल हल्की नम है, फूली हुई है, इसका मतलब दाल हमारी अब तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में तेल डालकर हम तेल को गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हुआ कि नहीं तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मूँग दाल ली है, इसको मैं तेल के अंदर डालूँगी। तो आप देख सकते हैं कि तेल हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये स्ट्रेनर लिया है। स्ट्रेनर की सहायता से अगर आप नमकीन बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। आप चाहें तो पैन में डायरेक्ट भी दाल को फ्राई कर सकते हैं, पर उससे क्या होगा कि जब आप तेल से दाल को बाहर निकालेंगे तो थोड़े बहुत दाने उसमें बच जाएंगे, जिससे कि दाल आपकी जल जाएगी। इसलिए आप नमकीन बनाने के लिए हमेशा स्ट्रेनर का यूज़ करें। तो अब मैं स्ट्रेनर में दाल को डालूँगी। तो अब हम स्ट्रेनर में थोड़ी सी दाल डालेंगे। दाल की मात्रा आप उतनी रखें जिससे कि दाल तेल में अच्छे से डूब जाए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दाल ली है। थोड़ा थोड़ा करके हम नमकीन बनाएंगे। अब हम स्ट्रेनर को इस तरीके से रखेंगे और एक स्पैचुला की सहायता से दाल को बीच बीच में चलाते रहें। गैस का फ्लेम हाई करके आप नमकीन को बनाएं। ये देखिए आप, दाल का कलर चेंज हो गया है और दाल में से कुरकुरी आवाज़ भी आ रही है। ये देखिए आप, अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पे निकालेंगे। और इसी तरीके से सारी दाल को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दाल हमारी फ्राई हो गई है। मैंने दाल को एक टिश्यू पेपर पर निकाल लिया था, आप यहाँ देख रहे होंगे। टिश्यू पेपर पर दाल निकालने से जो दाल में एक्सेस ऑयल होता है वो टिश्यू पेपर पर आ जाता है। तो अब हम दाल को एक बाउल में निकालेंगे। मैंने यहाँ पर एक कांच का बाउल लिया है, इसमें मैं दाल को निकालूंगी। अब हम दाल में नमक मिलाएंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप उसके हिसाब से डालिए। डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए आप, मैंने नमक को दाल में अच्छे से मिक्स कर दिया है।
क्रिस्पी और मज़ेदार नमकीन हमारा तैयार हो गया है। मूंग दाल की नमकीन को आप चाय के साथ इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरे मूंग दाल की नमकीन की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।